सो हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज राहुल तिवारी एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल राहुल। दोस्तों, रियलमी अपना एक नया स्मार्टफोन यहाँ पर लॉन्च कर चुका है जिसका के नाम है रियलमी एक्स। और यहाँ पर रियलमी एक अपना एक और भी नया स्मार्टफोन लॉन्च करने वाला है जो कि अपडेटेड वर्जन होने वाला है रियलमी एक्स का। और ये जो स्मार्टफोन है वो है यहाँ पर रियलमी एक्स प्रो। और यहाँ पर मैं बात करता हूँ इन दोनों फोन की प्राइस की, तो ये जो रियलमी का एक्स है इसकी प्राइस यहाँ पर लगभग 17,000 रुपये के आसपास है। वहीं पर मैं बात करता हूँ रियलमी एक्स प्रो की प्राइस की, तो ये लगभग यहाँ पर 24,000 रुपये के आसपास है। तो आज इस वीडियो में आपसे यहाँ पर कंपेयर करने वाला हूँ इन दोनों फोन को, बताने वाला हूँ कि क्या कुछ ज्यादा फीचर्स आपको यहाँ पर Realme X Pro में देखने के लिए मिलते हैं जो कि आपको Realme X में देखने के लिए नहीं मिलते हैं। तो सारा कुछ यहाँ पर कंपेयर करने वाला हूँ। चलिए बात करता हूँ सबसे पहले मैं इन दोनों फोन के कुछ स्पेसिफिकेशंस के बारे में। सबसे पहले बात कर लेता हूँ अगर मैं इन दोनों फोन के यहाँ पर डिस्प्ले के बारे में, तो जो Realme का X है इसमें आपको 6.53 इंचेस का फुल HD वाला जो डिस्प्ले है वो यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। और ये जो डिस्प्ले है वो एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले है। यहाँ पर उसे बात करता हूँ अगर मैं यहाँ पर Realme X Pro की, तो इसकी जो डिस्प्ले है वो है यहाँ पर वो है 6.5 इंचेस का। और ये जो डिस्प्ले है वो है यहाँ पर एक IPS LCD वाला डिस्प्ले। उसके बात करता हूँ मैं अगर मैं और भी डिटेल की, तो यहाँ पर आपको जो प्रोसेसर देखने के लिए मिलता है Realme X में वो लगा है यहाँ पर क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 710 का प्रोसेसर। वहीं पर मैं बात करता हूँ Realme X Pro की, तो यहाँ पर आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 855 का प्रोसेसर देखने के लिए मिल जाता है, यानी प्रोसेसिंग स्पीड आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। चलिए बात करता हूँ अगर मैं यहाँ पर कैमरे की, तो यहाँ पर जो Realme X में जो कैमरा लगा हुआ है वो लगा है दो कैमरा, एक है 48 मेगापिक्सल का और दूसरा जो कैमरा है वो है यहाँ पर 5 मेगापिक्सल का। वहीं पर बात करता हूँ मैं Realme X Pro की, तो यहाँ पर आपको 4 कैमरा देखने के लिए मिल जाता है। क्वाड कैमरा सेटअप यहाँ पर दिया गया है। एक कैमरा जो है वो है 64 मेगापिक्सल का, 8 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल का कैमरा यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलता है। वहीं पर मैं बात करता हूँ इन दोनों फ़ोन के फ्रंट कैमरे के बारे में, तो यहाँ पर जो Realme का X है इसमें आपको 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने के लिए मिल जाता है पॉपअप सेल्फी कैमरा के साथ। वहीं पर बात करता हूँ Realme X Pro की, तो यहाँ पर 25 मेगापिक्सल का जो फ्रंट कैमरा है वो देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर भी आपको पॉपअप सेल्फी कैमरा का सपोर्ट जो है उस फोन में दिया गया है। उसे बात करता हूँ अगर मैं अपने बैटरी की, तो यहाँ पर जो Realme का X है इसमें आपको 3765 mAh की जो बैटरी है वो देखने के लिए मिल जाती है। साथ में आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी यहाँ पर दिया गया है। उसे बात करता हूँ अगर मैं Realme X Pro की, तो यहाँ पर आपको 4000 mAh की जो बैटरी है वो यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती है। मतलब काफ़ी ज़्यादा कुछ यहाँ पर इंक्रीज किया गया है Realme की तरफ से। उसके बात करता हूँ और भी डिटेल की, तो ये जो फ़ोन है वो बहुत जल्दी यहाँ पर लॉन्च होने वाला है जो है Realme का X Pro। और देखते हैं क्या कुछ और भी खास फीचर्स यहाँ पर निकल करके आते हैं इस फोन के लॉन्च होने के बाद। तो दोस्तों, ये था कुछ इस वीडियो में। आशा करता हूँ थोड़ी जानकारी आपको समय आ गई होगी। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा।